हाय दोस्तों, स्वागत कीजिए वापस एक नए वीडियो में। फिर से हम हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज आप सभी की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप लोग मलेशिया में भी आ रहे हो काम करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत कुछ को यहाँ पे ध्यान देना होता है। अगर आप लोग मलेशिया आ रहे हो, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना, जो चीज़ आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। नहीं तो अगर आप लोगों को काम करने के लिए मलेशिया के अंदर में और कंपनी में जाकर सीधे आप लोग जेल में चले जाओगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ पॉइंट बता दें इस वीडियो में, आप लोगों को मैं बताऊंगा पांच पॉइंट। अगर आप ध्यान देते हो तो आप लोग फंसने से बच सकते हो, आप लोग मलेशिया के जेल में जाने से बच सकते हो। तो अगर आप लोग आओ मलेशिया में काम करने के लिए, काम करने के नंबर जाकर आप लोग जेल में जाकर फंस जाओगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करता है, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए अगर आप लोग मलेशिया आ रहे हो काम करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो नंबर पहला पॉइंट है, अगर आप लोग मलेशिया में आ रहे हो काम करने के लिए, तो मलेशिया में कभी भी आप लोग को ऐसे विजिट वीजा के ऊपर नहीं आना है, ठीक है। बात को समझिएगा आप लोग, कभी विजिट वीजा के ऊपर अगर काम करने के लिए नहीं सोचना है मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में विजिट वीजा है जो वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं होता है। मलेशिया में प्रॉपर आपको जब भी आना है, एक प्रॉपर एक वर्क वीजा के साथ में आना है। आप किसी भी कंपनी के अंदर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर आपके पास एक वर्क परमिट है, आप नहीं फंसोगे, आपको कोई नहीं बोलेगा, आपको कंपनी अच्छा सुविधा देगी, हर कुछ आते देगी, आपको इमिग्रेशन भी नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग विजिट वीजा पे आकर सोच रहे हो काम कर लेते हो, आप लोग विजिट वीजा पे आने के लिए आ रहे हो, कोई आपको एजेंट, कोई ऑफिस आपको मलेशिया में भेज देगा विजिट वीजा के ऊपर में, लेकिन विजिट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं होगा। विजिट वीजा की जितना दिन डेट रहेगा उतना दिन डेट रहेगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इलीगल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ के लिए इलीगल हो जाएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे परमिट लगेगा ना पास लगेगा, तो इससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आपको कभी भी यहाँ पे इमिग्रेशन पकड़ लेगी, कभी आपको पुलिस पकड़ लेगी, जेल में बंद कर दी जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको गलती नहीं करना, सबसे बड़ा गलती नहीं करना आप लोगों को मलेशिया में विजिट वीजा के ऊपर लेना। विजिट वीजा पे आओगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि बहुत सारा भाई इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से आकर यहाँ पे फंस जाते हैं लोग, ठीक है, जो कि विजिट वीजा पे आते हैं लोग। तो इन चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान देना है। नंबर दूसरा पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, ये भी बहुत ही मेन फैक्टर है कि मलेशिया में जब भी आपको आना है काम करने के लिए किसी कंपनी के अंदर में, अगर आप लोग वर्क परमिट पे आ गए, किसी अंदर कंपनी के अंदर काम भी कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ के लोकल के साथ में नहीं पढ़ना है। लोकल के साथ में क्यों नहीं पढ़ना है, ये चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे कहीं राजनीति, कहीं गुंडागर्दी, कहीं मारपीट, ये सब चीज़ के फेर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग बस अपने काम से काम मतलब रखिएगा, जिस कंपनी में आप लोग काम करो तो काम से रूम, रूम से काम, अपना काम धाम करने के लिए बाहर जाइए, मार्केट जाइए, आइए। यहाँ का जो लोकल हो गया, यूनियन बाजी हो गया, चाहे नेतागिरी हो गया, नहीं होता है इलेक्शन हो गया, इन सब चीज़ के फेर में आप लोग को नहीं पढ़ना है मलेशिया के अंदर में, नहीं तो इससे भी आप लोग फंस सकते हो मलेशिया में। मलेशिया में आप लोग को जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो और आप लोग यहाँ पे आकर यूनियनबाजी कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, और चाहे इलेक्शन लड़ रहे हो, चाहे इलेक्शन में कोई लड़ रहा है उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो इस ये सब भी गैर कानूनी है मलेशिया के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ के लिए भी आप लोगों को ध्यान देना है, मलेशिया आप लोगों को ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान नहीं देना, बस आप लोग अपना काम से काम रखिएगा। नंबर तीसरा पॉइंट का बात करें तो मलेशिया में जब भी आप लोग काम कीजिए, किसी कंपनी के अंदर आप लोग काम कर रहे हो, तो आप लोग जब आओगे मलेशिया में तो आपको एक एग्रीमेंट पेपर दिया जाता है मलेशिया में, ठीक है। एक एग्रीमेंट पेपर दिया जाएगा, उस एग्रीमेंट पेपर पर सब कुछ आप लोग डिटेल्स में लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया से हो, अगर आप लोग हिंदी जानते हो, तो आप लोग एग्रीमेंट पेपर में इंग्लिश में भी लिखा रहेगा और उसी पेज पे हिंदी में भी लिखा रहेगा, और उसमें पूरा तरीके से मलेशिया का जो कानून है, आप लोगों को क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना, सब कुछ उसमें डिटेल्स में कवर किया रहेगा। तो अगर आप लोग उसको ध्यान रखते हो, उसके अंदर में आप लोग रहते हो, मतलब अंदर मतलब क्या समझते हैं, मतलब जो जो चीज़ उसमें लिखा रहेगा उन उन चीज़ को आप लोग पालन करना है, उससे आप लोग एक्स्ट्रा कुछ करोगे तो आप लोग जेल जा सकते हो। तो आपका एग्रीमेंट पेपर एक रहता है, तो इस एग्रीमेंट पेपर के ही साथ में आप लोग को रहना है, उसमें क्या क्या चीज़ लिखा है वही सब चीज़ को ध्यान देना है आप लोग को। नंबर चौथा पॉइंट का बात करें आप लोग को, तो मलेशिया में आप लोग कभी भी आइए काम करने के लिए, तो जिस कंपनी में आप लोग आइए, ठीक है, जिस कंपनी में आप लोग इंडिया से आ रहे हो, उस कंपनी के पूरे डिटेल्स लेकर आप लोग एयरपोर्ट पे आइएगा। नहीं तो यहाँ पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं लोग कि मलेशिया में आए लोग, अगर रिसीव करने के लिए कोई नहीं जाएगा तो आप लोग क्या करोगे। तो प्रॉपर आप लोग जो कंपनी में आ रहे हो उस कंपनी का पूरा डिटेल्स लिख कर रखिए अपने पास में, और आप लोग उस कंपनी का कोई अगर आपके स्टाफ नहीं भी जा रहे तो आप लोग खुद से ही वहाँ पे जा सकते हो। नंबर पांचवा पॉइंट का बात करें तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है, जान दोस्तों ये बहुत ही मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग मलेशिया में काम कर रहे हो, ठीक है, मलेशिया में अगर आप लोग काम कर रहे हो, अगर आप लोग इंडिया से आगे किसी कंपनी में आप लोग काम करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन अगर आप लोग बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, चाहे कहीं और जा रहे हो, तो आप लोग कभी भी अपने पासपोर्ट को कहीं नहीं छोड़ना है। आप लोग अपने पासपोर्ट अपने साथ रखना है, पासपोर्ट और वीजा का कॉपी हो गया, जो आप अगर पासपोर्ट में एसटी का भी है तो पासपोर्ट में वीजा रहेगा। अब बाय द वे आपका पासपोर्ट ऑफिस वाले जमा किए लोग, कोई प्रॉब्लम है, चाहे मतलब वीजा लगाना है, चाहे मेडिकल कराना है, तो उसके लिए अगर आपका पासपोर्ट जमा भी है ऑफिस में,
तो आपको क्या करना है कि पासपोर्ट का जीएक्स जो है, चाहे एक तो आईडी यहाँ पे बनता है, वो आईडी आपका पास बनता है मलेशिया में जिस कंपनी में आप लोग आओगे, जिस दिन आ जाओगे वहाँ पे एक आईडी मिल जाएगा, एक पास मिल जाता है। मतलब एक ईयर्स का, जैसे वन ईयर्स आपका जो वीजा लगा, जैसे वन ईयर्स का आपका वीजा लग गया, आपका परमिट लग गया आपका पासपोर्ट के ऊपर में, तो वन ईयर्स के एक कार्ड बना के दे दीजिए पास, तो उस पास को अपने पास ही रखकर कहीं जाना है। जैसे कोई इमिग्रेशन आपको पकड़ता है, वो अपना पास जो है वो कार्ड है अपना दिखाओगे इमिग्रेशन को, चाहे उस पुलिस को, तो पुलिस आपको छोड़ देगी, समझ नहीं ये बंदा रियल है, ये बंदा काम करने वाला है इस कंपनी का, तो उसमें पूरे तरीके से डिटेल्स लिख रहा था, आपका वीजा नंबर हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, आप कहाँ से हो, किस कंपनी में क्या करते हो, पूरी तरीके से कार्ड रहता है। यहाँ पे मैं शो करा रहा हूँ वीडियो के ऊपर में, ऐसे ही कार्ड एक थोड़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे मलेशिया में बहुत ज़्यादा इलीगल काम करते हैं, तो इलीगल के ही लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेकिंग भी चलता है बाहर में, ठीक है। तो इसके लिए बार बार पासपोर्ट को चेक किया, इसीलिए हर टाइम यहाँ पे पासपोर्ट को चेकिंग भी कहता है कि प्रॉपर आप लोग पासपोर्ट आपके पास है कि नहीं, आप लोग वर्क वीजा पे हो कि नहीं हो, ये सब चीज़ भी चेक किया जाता है। तो दोस्तों यही 5 पॉइंट था, अगर आप लोग मलेशिया में आते हो काम करने के लिए तो आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग नहीं फंसोगे, नहीं तो आप लोग अगर इन 5 चीज़ को ध्यान नहीं दोगे, अगर आप लोग यहाँ पे यूनियनबाजी के फेर में पड़ जाओगे, अगर आप लोग यहाँ पे इलेक्शन के फेर में पड़ जाओगे, अगर आप लोग यहाँ पे पासपोर्ट लेकर नहीं घूमोगे, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ अपने रूल्स के खिलाफ जाओगे, तो इन सब चीज़ से आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग काम करने के लिए नहीं बजा, आप लोग आओगे काम करने के लिए, काम नहीं करोगे आप लोग सीधे चले जाओगे मलेशिया के जेल में, और मलेशिया के जेल में अगर आप लोग एक बार चले जाओगे तो फिर आप लोग जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप लोग किसी भी कंट्री में नहीं जा पाओगे, आपको यहाँ पे प्रॉपर एक बार सील कर दिया जाएगा, मतलब मलेशिया के लिए बैन कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं वीडियो से आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मलेशिया रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर लाते रहते हैं, ताकि आप लोगों को उसे कुछ नॉलेज मिले, आप लोग फंसने से बचो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।